ठेला है, खोमचा है, रेड़ी है, रिक्शा है, ई रिक्शा, पल्लेदार, कुली, ये जितने भी अन्य सेवाएं देने वाले लोग हैं, इन सब के बारे में भी हम लोगों ने एक सर्वे करा करके सभी प्रशासन को इसके बारे में आवश्यक धनराशि भी उपलब्ध कराई है। 11 लाख से अधिक निर्माण श्रमिकों को एक एक हजार रुपये की राशि उनके अकाउंट में दी जा चुकी है। कोरोना वायरस महामारी के संकट से जूझ रहे प्रदेश में लगातार योगी सरकार की ओर से मदद दी जा रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को प्रदेश के बड़े अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने 4 लाख से ज्यादा शहरी वेंडर्स को सीधे आर्थिक मदद भी ट्रांसफर की। आपको बता दें कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये मदद जरूरतमंदों को जारी की। उन्होंने बताया कि लगभग 4,81,000 शहरी वेंडर्स थे जिन्हें धनराशि देकर मदद की गई है। इसके अलावा 11 लाख से अधिक श्रमिकों को एक एक हजार रुपए की मदद दी गई है। 11 लाख से अधिक निर्माण श्रमिकों को एक एक हजार रुपए की राशि उनके अकाउंट में दी जा चुकी है। इसमें हम लोग 20 लाख निर्माण श्रमिकों को ये राशि उपलब्ध करवा रहे हैं। इसी प्रकार से जितने भी ठेला है, खोमचा है, रेड़ी है, रिक्शा है, ई रिक्शा, पल्लेदार, कुली, ये जितने भी अन्य सेवाएं देने वाले लोग हैं, इन सब के बारे में भी हम लोगों ने एक सर्वे करा करके सभी प्रशासन को इसके बारे में आवश्यक धनराशि भी उपलब्ध कराई है। कि स्वाभाविक रूप से इस समय लॉकडाउन के कारण इन सब का कार्य प्रभावित है, इनको भी भरण पोषण का एक भत्ता दिया जाना चाहिए। योगी आदित्यनाथ ने यहां जानकारी देते हुए कहा कि मनरेगा के तहत मजदूरी करने वाले करीब 88 लाख ऐसे मजदूर हैं जिनका भत्ता बढ़ा दिया गया है, जबकि 27 लाख से अधिक मजदूरों का जो बकाया बाकी था उसे जारी कर दिया गया है। योगी के मुताबिक प्रदेश में 87 लाख से अधिक परिवारों को समय से पहले पेंशन जारी कर दी गई है ताकि किसी को कोई परेशानी ना हो। मनरेगा की मजदूरी करने वाले प्रदेश के अंदर 88 लाख ऐसे श्रमिक हैं जिनके मानदेय को बढ़ा करके 202 रुपये अप किया गया है। उनका बहुत दिनों से कुछ पैसा बकाया भी था। ऐसे लगभग 27,15,000 से अधिक उन मनरेगा श्रमिकों की एक मुश्त राशि उन्हें दी गई और साथ साथ हम लोगों ने 87 लाख उन परिवारों को जो वृद्धावस्था पेंशन, निराश्रित महिला पेंशन या फिर अन्य पेंशन की योजना को प्राप्त करते थे, समय से पहले उनको पेंशन की राशि एक साथ उन्हें उपलब्ध करवाई गई। ऐसे 87 लाख लोग उस योजना से लाभान्वित हुए हैं। बहरहाल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने जानकारी दी कि केंद्र सरकार की ओर से प्रदेश के 2 करोड़ से अधिक किसानों को मदद पहुंचाई जा रही है। साथ ही साथ केंद्र की ओर से रसोई गैस, महिलाओं को आर्थिक मदद और राशन की व्यवस्था भी की गई है, जिसे राज्य सरकार जमीनी स्तर पर उतार रही है। वहीं अगर हम बात करें यूपी में कोरोना के संक्रमण की, तो बता दें कि उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस के मामलों में तेजी आई है और ये संख्या 300 के पार चली गई है। योगी आदित्यनाथ खुद लगातार समीक्षा बैठक कर रहे हैं और लगातार अधिकारियों के संपर्क में हैं। गौरव कुमार पांडे की रिपोर्ट, यूपी तक।